सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V23 Pro डिवाइस के अंदर आप अपने फोन के अंदर हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग को ऑन कैसे करेंगे। मींस कि जब भी आप अपने कीबोर्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वहां पर एक वाइब्रेशन आती है जो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड अगर आपको इसे इनेबल करके यूज करना तो बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हैं। वेल गाइस चलो इसका डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं हैप्टिक वाइब्रेशन को ऑन कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस फोन के अंदर हैप्टिक वाइब्रेशन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने फोन सेटिंग के अंदर। सेटिंग्स हमारी यहां पर है, एक बार ओपन करेंगे इस तरह से होम इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। साउंड एंड वाइब्रेशन का एक सेटिंग्स आपको मिल जाता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक बार आप इसको प्रेस करिए, यहाँ पर मीडिया साउंड इफेक्ट, इवन गाइस आप सेटिंग्स के रिंग टोन वगैरह को चेंज कर पाएंगे, इवन मैसेज टोन्स वगैरह को आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स मिलेगी यहाँ पर आपको टच वाइब्रेशन करके। ये जो सेटिंग्स है पुराने वर्जन में आपको टच फीडबैक करके मिलती थी, बिकॉज इसके अंदर टच वाइब्रेशन करके मिलेगी, आप इसको प्रेस करना है। सिंपल देख सकते हो ये हमारे फोन में अभी टर्न ऑन है, मींस की हैप्टिक वाइब्रेशन हमारे फोन के अंदर अभी ये करंट टाइम पे इनेबल है। इसका काम क्या है नीचे देखेंगे, हैप्टिक फीडबैक फ्रॉम टैब कीबोर्ड एंड मोर फंक्शंस के लिए काम करता है। लाइक दैट कीबोर्ड पे तो ये काम करेगा ही करेगा, जैसे आपने अगर यहाँ पर नेविगेशन बटन एक्सेस कर रहे हैं बैक वगैरह जाने के लिए होम पेज पर, और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जहां पर ये टच करने पर इसका वाइब्रेशन वाला जो हैप्टिक वाइब्रेशन है काम करता है, यू नो, लेकिन कीबोर्ड पे काम करता है प्रॉपरली। किसी को मैसेज टेक्स्ट वगैरह कर रहे हो तो वहां पर वेरी वाइब्रेशन आती है जब क्लिक करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन डिसेबल्ड है, एक बार इसको टर्न ऑन करेंगे आपके फोन के अंदर ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएगी और इजिली आप हैप्टिक वाइब्रेशन को यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। हालांकि बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हैप्टिक वाइब्रेशन यूज करना है, तो जाओ आराम से यूज करो। एंड कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।